हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स को लेके, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है उसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। देखो, ग्लोबल लायबिलिटी जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा, जिसमें क्या होता है वर्ल्ड की टॉप जो 140 सिटीज हैं उनका डाटा लिया जाता है, उनकी लाइफस्टाइल को देखा जाता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग जो कंडीशन है, उसके आधार पर बेसिकली ये लायबिलिटी इंडेक्स पब्लिश है वो किया जाता है। इस इंडेक्स का देखो मेन मोटो तो बेसिकली यही होता है कि वर्ल्ड की जो भी सिटीज हैं, मेन मेन टॉप सिटीज हैं, उन सिटी में रहने लायक हालत कैसी है, कौन सी सिटी रहने के लिए अनुकूल है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे हेल्थ कैसी है, वहाँ की सोशल स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे क्राइम किस तरीके से हो रहे हैं, मतलब क्राइम का लेवल क्या है, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन आ गया, इसके साथ ही वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह वो किस तरीके की हो रही है, तो कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको एक्चुअली यहाँ पे चेक करके और ये इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। तो इस इंडेक्स के बारे में कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश है वो करते हैं। देखो, इसमें बेसिकली पता था कि बेस्ट और सबसे घटिया जगह कौन सी विश्व की जहाँ पे रहने लायक है उनको एक्चुअली आइडेंटिफाई है वो करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 140 सिटीज हैं विश्व की, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड की, जिसको यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो किया जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ये कि भाई इंडिया की कौन कौन सी सिटी है उसको यहाँ पे एक्चुअली इसमें काउंट है वो क्या जा रहा है वो भी हम देखेंगे, और क्या इंडिया की रैंकिंग है वो रही है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इंडिया का मतलब बेसिकली यहाँ पे इंडिया की जो सिटीज इसमें रैंक शामिल हुई है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये जो रेफरेंस लाइन है, जो बेस लाइन का काउंट करते हैं इसमें कि भाई इससे तुलना की जाती है बेसिकली, वो की जाती है न्यूयॉर्क से। मतलब कोई भी सिटी होती है उसको न्यूयॉर्क से कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पर बेसिकली इंडेक्स पब्लिस किया जाता है। मतलब यहाँ पे न्यूयॉर्क को एक आइडियल माना गया कि भाई न्यूयॉर्क जो सिटी है वो विश्व में सबसे अच्छी और सबसे रहने लायक जगह है, उसके आधार पे फिर बाकी सिटी को यहाँ पे एक दूसरे कंपैरिजन में रखा जाता है। तो अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर को भी हम यहाँ पे जानेंगे। देखो, बेसिकली बात हम करें कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। जब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो एक तो पॉलिटिकल फैक्टर को काउंट किया जाता है, सोशल स्टेबिलिटी कैसी है इसको चेक किया जाता है, वहाँ पे क्राइम कैसे है क्राइम के बारे में, और वहाँ पे एजुकेशन और वहाँ की हेल्थ कैसी है, ये जो कुछ फैक्टर्स हैं इनके आधार पर बेसिकली ये इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है, या इन फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। अब हम बात करें कि कुछ 30 क्वालिटिव और क्वांटिटिव क्राइटेरियाज होते हैं, उनके आधार पे बेसिकली इसको चेक किया जाता है और उनको 5 कैटेगरी में बांटा है। मतलब 30 तो क्वालिटिव और क्वांटिटिव क्राइटेरिया है और उन 30 क्वालिटिव और क्वांटिटिव एरिया को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? पहली तो बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी की, भाई वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब माहौल कैसा है वहाँ पे, उसको चेक किया जाता है। दूसरा देखा जाता है हेल्थ और केयर, कि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर है वो कैसा कैसी वहाँ पे हेल्थ के लिए फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड हो करवाई जा रही है। तीसरा फैक्टर देखा जाता है कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और चौथा पॉइंट देखा जाता है एजुकेशन, और पांचवा पॉइंट की बात करें, पांचवी कैटेगरी की बात करें, वो देखी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे किस तरीके का है। इन पांच जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनके आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई वो सिटी रहने लायक है या नहीं है, उसकी रैंकिंग किस तरीके से दी जाएगी। अब हम बात करें विश्व की टॉप सिटी की, तो वियना है जो कि यूरोप की एक सिटी है वो आई है फर्स्ट पे, और ऐसा पहली बार हुआ है कि यूरोप की किसी सिटी ने इसमें टॉप स्थान प्राप्त किया है। मतलब वियना ने टॉप स्थान प्राप्त किया है, और जो मेलबोर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसने सेकंड रैंकिंग प्राप्त की है। बात करें हम सबसे घटिया और अपने पड़ोसी देशों की तरफ से, तो पड़ोसी देशों में बात करें तो कराची की रैंकिंग है वो 137 है, और ढाका की रैंकिंग है वो 139 है, और जब बात करें हम न्यू दिल्ली इंडिया की, तो इंडिया की बेसिकली इसमें दो सिटियां काउंट होती है। कौन कौन सी? एक तो न्यू दिल्ली और एक मुंबई। न्यू दिल्ली की रैंकिंग है वो ये 112 और मुंबई की रैंकिंग आई है वही 117। मतलब इंडिया की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट बात करें हम मतलब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, तो उनसे तो हमारी रैंकिंग ठीक ठाक है, बट फिर भी ज़्यादा रहने लायक जगह नहीं है दिल्ली और मुंबई, ये बेसिकली इस इंडेक्स से साबित है वो होता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही होता है जो यूपीएससी पूछ सकती है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स वो कौन पब्लिश करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो बेसिकली पब्लिश करती है, 140 सिटी को उसमें काउंट है वो किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है UPI 2.0 के बारे में। देखो, UPI की फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
बेसिकली इसके बारे में हम जानते हैं। 2.0 का मतलब यहाँ पे है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसका सेकेंड वर्जन है वो अभी पब्लिश है, वो किया गया है, उसको लेके हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है यूपीआई। देखो यूपीआई है वो बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था, और इसी के साथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर यूपीआई को जारी है, वो किया गया था। यह एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म, आपको बता दूं। देखो जब भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे भीम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यूपीआई बेस्ड काम करता है। तो हम एक बार ये जानेंगे पहले कि यूपीआई काम किस तरीके से करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, और क्या इसका मोटो है, क्यों बनाया गया था ये इंटरफेस वगैरह। देखो हम जब भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जैसे आपको पता है कि बैंक एक बैंक से अगर हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो हमें एनईएफटी या आरटीजीएस है वो करना पड़ता है। उसमें कुछ टाइम लगता है और पैसा कई बार तुरंत नहीं पहुंचता, और कुछ कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि उसमें टाइमिंग की भी लिमिट होती है कि आप मॉर्निंग 2-7 to evening 6 तक कर सकते हो। सभी बैंकों का अलग अलग टाइम पीरियड है बेसिकली उसमें होता है। तो कई बार हो सकता है किसी को इंस्टेंट पैसे की जरूरत हो, तो उस कंडीशन में काफी दिक्कत आती है। या फिर आप ये मानो कि आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए और आपने दुकानदार को कहा कि भाई मैं आपको एक तरीके से अकाउंट ट्रांसफर करता हूँ, तो अगर आपको वहाँ कम से कम भी अगर आपको आधा घंटा वहाँ पे लग गया, तो इतनी देर ना तो दुकानदार वेट करेगा और ना ही आप वेट कर पाओगे। तो इसीलिए ऐसा कोई एक सिस्टम होना चाहिए ताकि तुरंत इंस्टेंट पैसा है वो ट्रांसफर हो सके। और इसीलिए यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है वो लाया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई की हेल्प से, ताकि जो पैसा है वो तुरंत ट्रांसफर हो सके कस्टमर से, जो भी मतलब कंज्यूमर, जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि शॉपर्स है जिसकी दुकान है, तो उसके बीच में आपस में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली से लाया गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें पैसा वो तुरंत ट्रांसफर होता है, जो ही हम क्लिक करते हैं तभी तुरंत तक जो भी वहाँ पे शॉप दुकान वाला होता है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और कैशलेस सिस्टम है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। तो दुकानदार को डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, और जो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसको जारी है, वो किया गया था। इसमें होता क्या है कि जो पेयर जो पैसा पे करता है वो मतलब कस्टमर और पीपी मतलब जिसको पैसा पे करना है, जैसे दुकानदार को हम पैसा देते हैं, तो उन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड कर होता है, ताकि कस्टमर है वो दुकानदार को पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सके बिना किसी देरी के, और वो तुरंत पैसा अकाउंट में चला जाएगा और उसका ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगेगा। तो ये कुछ इसके बेसिकली प्रिंसिपल या ये कुछ मैकेनिज्म मैंने आपको बताई कि ऐसे ऐसे बेसिकली ये काम है वो करता है। तो अभी जो 2.0 वर्जन पब्लिश किया गया है, इसके कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि एक तो ओवर ड्राफ्ट जो अकाउंट होता है उसको हम यूपीआई से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नई एडवांस फॉर्म आई है। तो जो आप बोल सकते हो कि जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम होता है उसमें नया अपडेट आता है तो क्या होता है उसकी थोड़ी स्पीड है वो अच्छी होती है, बैटरी बैकअप अच्छा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इसमें काफ़ी पहले बग्स आते थे, मतलब ढंग से काम नहीं करता था यूपीआई का, पेज अटक जाता था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी, वो यहाँ पे दूर की गई है। इसके साथ ही हम बात करें कि जो इनवॉइस वगैरह होता है, जैसे कि हमने किसी को पैसे भेजे तो उसका इनवॉइस है वो तुरंत दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो जाएगा। एडवांस में पेमेंट करने का हम सिस्टम सेट कर सकते हैं कि भाई किसी इंसान को ये मतलब जैसे आज ही हमने कर दिया कि 19 तारीख को ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्री प्रोग्राम वगैरह है, ऑथेंटिकेशन है, वो करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फीचर्स इसमें यहाँ पे ऐड हैं वो किए गए हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, एक तो वही होता है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है क्या। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, और इसी के साथ आरबीआई है, इन दोनों ने मिलकर इसे बेसिकली जारी है वो किया है। काम इसका यह है कि तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एनईएफटी और जो आरटीजीएस करते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यूपीआई 2.0 है वो लाया गया था, यूपीआई को लाया गया था, ताकि पैसा है वो तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी हम 24 घंटे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो देखो कंटेक्स्ट कुछ ही है कि 20 स्वतंत्रता दिवस का जो मौका था 15 अगस्त का, इसी मौके के ऊपर भारतीय जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने दो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज को लेके बेसिकली दिए जाते हैं, उन अवार्ड की घोषणा है वो की। तो हमारे लिए वो दोनों ही अवार्ड को जानना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली है हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यूपीएससी ने यहाँ पे हर साल क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी कोशिश की, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो देखो दो अवार्ड कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज के लिए, एक तो होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स और दूसरा होता है महर्षि भद्रयान व्यास सम्मान। ये दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अब इनका थोड़ा क्राइटेरिया देखते हैं। देखो जो सर्टिफिकेट ऑफ जो ऑनर अवार्ड है
वो उन स्कॉलर्स को दिया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जिनकी एज 60 साल हो गई हो या फिर 60 साल से ज़्यादा एज हो गई है, और उन्होंने क्लासिक उन्होंने लैंग्वेज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया और लिटरेचर वगैरह के लिए, उनको बेसिकली अवार्ड वो दिया जाता है। कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है वो भी एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। ये दिया जाता है बेसिकली संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, पर्सियन, ओडिया, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। ये बेसिकली जो लैंग्वेज हम बात यहाँ पे करें इन 9 लैंग्वेज की, इन लैंग्वेजों के लिए बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर अवार्ड है वो दिया जाता है। हमें एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हिंदी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यूपीएससी आपको ऐसे पूछ सकती है हिंदी हुआ, क्लासिकल मलयालम या अरबी हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हिंदी इसमें नहीं है, क्योंकि कई बार हम यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इन लैंग्वेज को हमें थोड़ा पता होना चाहिए। और जो महर्षि बद्रयान व्यास अवार्ड है वो भी बेसिकली इन्हीं लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान है ये बेसिकली 30 से 45 साल के बीच कि जो बीच के जो एज वाले लोग होते हैं उनको बेसिकली या उन स्कॉलर्स को बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये दोनों ही अवार्ड को ध्यान रखना है। यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि इनकी घोषणा कब की जाती है, बेसिकली इनकी घोषणा है वो स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के मौके पे की जाती है हर साल, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज वो नहीं होना है। अब हम बात करते हैं इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज की कि कौन कौन सी इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज हैं, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है और क्या क्या उनके ऊपर बेनिफिट है वो होता है। यूपीएससी ने यहाँ पे 2015 और 16 दोनों सालों में क्वेश्चन है वो पूछा है, तो इसे हम देखते हैं। देखो इंडिया में बात करें हम क्लासिकल लैंग्वेज की तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सबसे पहले बात हम क्लासिकल लैंग्वेज करेंगे तो सबसे जो नई पहली बार जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी वो थी बनी थी तमिल, इसके बाद में बनाई गई थी, दूसरे नंबर पर बनाई गई थी संस्कृत, तीसरे नंबर पर बनाई गई थी तेलुगु, चौथे नंबर पर यहाँ पे बात करें तो बनाई गई थी कन्नड़ लैंग्वेज, पांचवें नंबर पर मलयालम और छठे नंबर पर उड़िया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तमिल को बनाया गया था और सबसे लास्ट में उड़िया को बनाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिल को कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था और उड़िया को कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा गया था, आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से ईयर में दर्जा वो बेसिकली दिया गया था। इन 6 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और स्पेशली ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि सिक्वेंस भी हमें पता हो कि सबसे पहले किसे दर्जा दिया गया, सेकेंड नंबर पर कौन सी है, थर्ड नंबर पर कौन सी है, फोर्थ पे कौन सी है, फिफ्थ पे कौन सी है। अब हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है वो दिया जाता है। तो देखो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार हैं, कुछ 4 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो भी क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा पाना है वो कम से कम एटलीस्ट 1500 से 200 साल पुराना उसका इतिहास होना चाहिए और कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रूफ वगैरह होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ प्रूफ मिला उस चीज़ का कि हाँ भाई ये लैंग्वेज है ये 1500 से 2000 साल पुरानी है, कुछ ना कुछ तो उसका छोटा मोटा एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कहते कि हाँ भाई 1500 साल पुरानी है, कोई छोटा मोटा ऐसा एविडेंस हो, कहीं ना कहीं कोई स्तूप वगैरह पे लिखा मिले या कहीं भी कोई आप बोल सकते हो कि स्क्रिप्ट वगैरह में उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसकी है कि जो पुराने टाइम का जो साहित्य है ना उसको हेरिटेज के तौर पे संभाल के रखना चाहिए, मतलब जो पुराना उस भी लैंग्वेज जैसे मान लो कि संस्कृत है तो संस्कृत का जो पुराना लिटरेचर है पुराना जो साहित्य है ना उसको हेरिटेज का दर्जा मिला होना चाहिए, मतलब जो भी उसके आप एक तरह से रिसर्चेस बोल सकते हो वो उसको हेरिटेज के तौर पर संभाल के रखते हो, हेरिटेज के तौर पर उसका ध्यान रख रही हो, मतलब उसको एक अलग सी वैल्यू दी जा रही हो कि हाँ भी इसे प्रिजर्व करना काफ़ी जरूरी है, ये एक बात यहाँ पे फोकस है वो की जा रही है। वो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्राइटेरिया का ये है कि उसकी कोई भी कॉपी वोपी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसे किसी दूसरी लैंग्वेज से तोड़ मरोड़ के आप कॉपी कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी अदर साइड से कॉपी वगैरह का सीन नहीं हो चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप कट कॉपी पेस्ट के थ्रू काम है वो कर रहे हो। चौथा क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है कि जो भी लैंग्वेज है उसको क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा पाना है, हो सकता है कि वो पुरानी जो लैंग्वेज हो, जैसे कि मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि संस्कृत कि जब बहुत पुराने टाइम पे हम कहते हैं कि महाभारत के टाइम पे भी संस्कृत का यूज है वो होता था, तो उस टाइम पे जो संस्कृत बोली जाती थी और आज के टाइम पे जो संस्कृत लिटरेचर है हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया हो, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आना तो ऑब्वियसली स्वाभाविक होता है, तो वो कोई बड़ा इसमें इफेक्ट नहीं है, बट अहम बात यह है कि पुरानी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिकली 4 क्राइटेरिया हैं, इनके बारे में हमें ध्यान है वो रखना है। अब हम देखते हैं कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज का ठीक है दर्जा तो मिल जाएगा, इसके बाद बेनिफिट क्या होगा। तो देखो बेनिफिट एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट है उसको 1 टाइम एक ग्रांट देती है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए की, मतलब जैसे मान लो कि उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला तो उसको स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए की ग्रांट दी ताकि वो अपनी रिसर्च वगैरह और ढंग से कर सकें और उसके बारे में और डेवलपमेंट वगैरह हो सकें, ये बेसिकली पहला बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि 2 इंटरनेशनल अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं मेजर हर साल, कम से कम
ध्यान रखना कि दो मेजर इंटरनेशनल अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं हर साल, ताकि उसकी वैल्यू है वो उस दर बनाई जा सके। तीसरा काम ये होता है कि गवर्नमेंट है वो उसको वो उसकी उस लैंग्वेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज है वो सेटअप कर सकती है, मतलब एक सेंटर बना सकती है, वहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के लिए स्टडी रिसर्च वगैरह के लिए बेसिकली काम हो किया जा सकते हैं। इसके बाद में बात की जाती है कि चौथा बेनिफिट ये होता है कि UGC है वो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह के लिए चेयर वो अपॉइंट कर सकती है कि हाँ भाई ये साहित्य है तो इसके लिए इस यूनिवर्सिटी में अंदर आप सीट वगैरह आपकी रिजर्व रखी जा रही है प्रोफेसर वगैरह के लिए, ताकि और अच्छी रिसर्च वगैरह हो सके और उसमें और ज़्यादा नॉलेज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये बेसिकली कुछ पाँच और चार इसके बेनिफिट होते हैं, तो इनके बारे में हमें ध्यान वो रखना है। देखो ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्राइटेरिया और बेनिफिट, इनके बारे में बेसिकली UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी है और फिर भी पूछ सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव को लेकर, कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया के नंदूला रघुराम है जिनको एक्चुअली इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट है वो किया गया है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में। देखो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है, इसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा फैक्ट और है, वो ये है कि नंदूला जो रघुराम है ये इंडिया के पहले ऐसे पर्सन है जिनको एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का चेयर है वो इलेक्ट किया गया। इसके साथ ये एशिया के भी पहले हैं, तो ये दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एशिया के पहले हैं और इंडिया के पहले ऐसे पर्सन है जिनको इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट है वो किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव की, जो कि बेसिकली 2003 में बनाया गया था, तो यह एक तरीके का क्या है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिस जो एक किसकी हेल्प से तैयार होता है वो भी हम एक बार देखते हैं कि यह इनिशिएटिव किसकी हेल्प से तैयार किया गया था। देखो यह जो इनिशिएटिव है यह बेसिकली तैयार किया गया था स्कोप की हेल्प से। स्कोप क्या है, स्कोप की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन द एनवायरनमेंट। इसी के साथ ही एक कोलैबोरेशन और है, वो है IGBP, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वो है इंटरनेशनल जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसी के साथ ही स्कॉलरशिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन द एनवायरनमेंट है, इन दोनों के द्वारा एक जॉइंट प्रोग्राम के तौर पे इसको स्थापित है वो किया गया था, तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इसका मोटो क्या है। देखो जब भी हम इसका मोटो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमें पहले एक चीज़ जाननी होगी कि नाइट्रोजन है क्या, कैसे तरीके से इसका यूज होता है। तो बेसिकली आपको बता दूं कि आपको पता कि हमारे एनवायरनमेंट में मैक्सिमम जो हिस्सा है वो नाइट्रोजन का ही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट हमारे एनवायरनमेंट में है और ऑक्सीजन कितनी है। इसी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है CO2 वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी कितनी परसेंटेज ये तीनों गैसें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और हमारी हेल्थ के लिए आप बोल सकते हो या हमारे फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन। बट दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन है ना वो डायरेक्टली सिंगल फॉर्म में नहीं पाई जाती, मतलब यह परमाणु होता है ना नाइट्रोजन का N, उस फॉर्म में नहीं पाई जाती, यह मॉलिक्यूल फॉर्म में पाई जाती है। किसकी फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, मतलब यह अणु की फॉर्म में पाई जाती है और अणु को डायरेक्टली हम एक तरीके से क्या बताऊँ आपको, मतलब हम इसको पचा नहीं सकते, तो इसलिए इसको N2 को हमें तोड़ के फिर यूज करना होता है नाइट्रोजन की सिंगल फॉर्म में। बट जब भी हम N2 को तोड़ के सिंगल फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो पेड़ पौधे या हम मतलब मैक्सिमम जो प्लांट्स आप एनिमल ले सकते हो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली या फिर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन को तोड़ के और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है और फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से इसको तोड़ के और फिर इनडायरेक्टली यूज है वो किया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली नाइट्रोजन वो काम आते हैं, डायरेक्टली हमारे लिए नाइट्रोजन वो कुछ भी काम नहीं आती है। अब इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अमोनिया हुआ, यूरिया वगैरह हुआ, इन डिफरेंट मेथड की हेल्प से हम जो नाइट्रोजन है इसको हमारी बॉडी में कंज्यूम है वो बेसिकली करते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है इसका काम ये है कि भाई नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव रोल है इसको बढ़ाया जा सके, इसके साथ ही हमारा जो सस्टेनेबल फूड चैन है इसके अंदर नाइट्रोजन की जो निर्धारित मात्रा है उसको ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ ही अहम बात यह है कि जो भी इसका नेगेटिव यूज हो रहा है ना तो मिनिमम नेगेटिव रोल को दूर किया जा सके, मतलब इसका जो नेगेटिव रोल होता है नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन ज़्यादा यूज हो जाए तो उस कंडीशन में उस नेगेटिव रोल को कम करना, और ये इसी के साथ ही अहम काम ये होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इसका बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो रहता है, तो मतलब नाइट्रोजन को लेकर बेसिकली ये काम है वो करती है। और अहम बात ये होती है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन काम और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी होती है
उस स्टेयरिंग कमेटी में क्या होता है, एक तो चेयरपर्सन होते हैं और 6 रीजनल सेंटर डायरेक्टर होते हैं। 3 साल में एक बार इसकी बेसिकली मीटिंग है वो होती है। तो इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के बारे में जाना 2018 के बारे में, कि इंडिया की दोनों ही सिटी आई हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली, दोनों की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद में हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने क्लासिकल लैंग्वेज अवार्ड के बारे में जाना, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में जाना, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव क्या है उसके बारे में देखा। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।